टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं होता, उसका धर्म फकत सिर्फ पैसा। और हमारा धर्म ड्यूटी। ये छोड़ दूंगा वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं एक्शन होगा। फिल्में करने से पहले क्या करती थी सोहा अली खान? भाई सैफ से क्यों किया गया उन्हें कंपेयर? क्या सोहा को बिग बॉस की लड़ाइयां पसंद हैं? क्या है सोहा का गिल्टी प्लेजर? नवाबों के घर में पली और नवाबों की तरह बड़ी हुई एक्ट्रेस सोहा अली खान आज बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान रखती हैं। नवाब मंसूर अली खान पटौदी और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की सबसे छोटी बेटी सोहा बेशक ही सबसे लाडली रही है। 2004 से शुरू हुआ उनका यह बॉलीवुड का सफर बहुत ही शानदार रहा, जहां उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की। आइए जानते हैं आज उनके बारे में कुछ खास बातें। सोहा का जन्म 4 अक्टूबर 1978 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली में ही ब्रिटिश स्कूल से पढ़ाई की और उनके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर हासिल है। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन, सिटी बैंक के लिए काम किया है। सोहा को रियलिटी टीवी शो देखना काफी पसंद है, खासकर की बिग बॉस और रूडी जैसे शोज उन्हें बहुत भाते हैं। 2004 में उन्होंने दिल मांगे मोर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें रंग दे बसंती, खोया खोया चांद, तुम मिले, साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, गो गोवा गॉन, घायल, वंस अगेन आदि फिल्में शामिल है। बॉलीवुड की इतनी मशहूर फिल्में करने के बाद भी सोहा को वो पहचान नहीं मिल पाई जो उनके भाई सैफ अली खान को मिली। वे ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में ही दिखी हैं, या अगर मेन लीड हीरोइन बनी है तो उनके लिए इतना कुछ करने को नहीं था। हालांकि आमिर खान के अपोजिट रंग दे बसंती के लिए उन्हें IIFAA अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला। सोहा को योगा करना और फिट रहना बहुत पसंद है, इसके लिए वे एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीती हैं। हालांकि हर किसी की अपनी एक कमजोरी होती है, तो सोहा को तंदूरी चिकन और दाल तड़का बेहद पसंद है। साल 2015 में उन्होंने एक्टर कुणाल खेमू से शादी कर ली। अब उनकी एक बेटी इनाया नौमी खेमू भी है। कुणाल और सोहा की लव स्टोरी उन्हीं की तरह काफी अलग है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल पर नई वीडियोस देखते रहिए। गौरतलब है कि साल 2016 में वे सनी देओल के साथ फिल्म घायल वंस अगेन में नजर आई थी, जहां उन्होंने रिया नाम की लड़की का किरदार निभाया था। अब आपको बता दें कि इस फिल्म के पहले पार्ट यानी 1990 की फिल्म घायल का अब एक रीमेक बन रहा है। जी हाँ, सनी देओल द्वारा निर्देशित इस फिल्म के रीमेक पर काम हो रहा है। आपको बता दें कि रीमेक में सोहा नहीं होंगी, क्योंकि वे ओरिजिनल फिल्म का हिस्सा भी नहीं थी और इस समय उन्होंने फिल्मों से भी ब्रेक ले रखा है। हालांकि कास्ट से जुड़ी कई खास खबरें हमारे पास हैं, जिन्हें हम हमारी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। फिल्मों से जुड़ी और भी कई जानकारियां हम आपको बताते रहेंगे। तब तक वीडियो ये कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।